अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं, फोरेंसिक टीम भी आपके सामने ही वहां पर पहुंची थी, किस तरह की एविडेंस अभी तक कलेक्ट हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगा। जो फॉरेंसिक की टीम है उसने बकायदा पत्थर भी यहां से कलेक्ट किए हैं, देखिए एविडेंस के तौर पर ये जो तमाम चीजें हैं स्पेशल, ये आपको दिखाऊं, ये दिखाएंगे दीपक, ये देखिए, ये इस बकायदा बोरी में यहां से जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए हैं, पत्थर है, कांच की बोतलें हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो गलियों से इकट्ठा किए गए। ये देखिए एक पॉलिथीन में भी कुछ एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इकट्ठा किया है। वो तमाम वो गलियां जिन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी, उन गलियों में फॉरेंसिक की ये टीम बकायदा गई थी, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल गए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां इस वक्त काफी ज्यादा पुलिस की तैनाती है, ये वो चौक है, कुशल चौक, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, सबसे ज्यादा दोनों तरफ से आमने सामने की तरफ से गुट वो इकट्ठा हो गए थे, यहीं पर हिंसा हुई थी। और फॉरेंसिक की टीम ने यहां से कई पत्थर जो गलियों में अभी भी पड़े हुए थे, जमा करके रखे गए थे, वो पत्थर वो कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा कांच की बोतलें वो कलेक्ट की गई हैं, और ये तमाम वो घर है, वीडियो भी आया था जहां से पत्थरबाजी हो रही थी। तो फिलहाल एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की अलग एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इन तमाम गलियों में फिलहाल लगातार गुपचुप तरीके से छापेमारी कर रही है। जैसे ही वीडियो के जरिए किसी आरोपी की पहचान होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इन सबके बीच वो गोलीबाज जिसकी सबसे ज्यादा तलाश है दिल्ली पुलिस को, उसकी भी तलाश की जा रही है, जो बकायदा वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक की टीम उसके घर भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो देखिए यहां पर बकायदा एक कैंप ऑफिस बना दिया गया है जहां पर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है। तो अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो आए हुए थे जिन्होंने तमाम एविडेंस वो कलेक्ट किए हैं, जो पत्थर था गलियों से वो पत्थर इकट्ठे जो करके रखे गए थे उन पत्थरों के सैंपल लिए गए हैं। उसके अलावा जो कांच की बोतलें रखी गई थी वो कांच की बोतलें भी यहां से इकट्ठा करके, ठीक है, वहां पर टीमें पहुंची हैं, एक एक सबूत वहां इकट्ठा किया जा रहा है। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।